हाथ में सांप लेकर डॉक्टर के पास गया युवक बोला, हमो डसो है, बचा लियो। यूपी के महोबा जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दोस्तों, अगर आप भी यूपी के हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और पूरा देखें। इस अजीबोगरीब मामले को जानकर आपको हंसी भी आएगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। यहां पर एक किसान हाथ में सांप पकड़कर जिला अस्पताल के ओपीडी में पहुंच गया और वहां उस समय मरीजों और तामीरदारों के बीच अफरा तफरी मच गई। युवक के हाथ में सांप देखकर डॉक्टर की सट्टी पिट्टी गुम हो गई। चीखते हुए युवक बोला कि ओ डॉक्टर साहब, जा सांप ने हम डसो है, बचा लियो। उसके हाथ में सांप देखते ही डॉक्टर्स भी घबरा गए। बाद में उसने डॉक्टर को बताया कि सांप मरा हुआ है। तब जाकर सबकी सांस में सांस आई। डॉक्टर ने आनंद फानंद में सांप को बाहर फिकवा कर किसान युवक का उपचार किया। दरअसल कुएं की सफाई कर रहा था ये युवक और पैर से लिपट गया सांप और उसने उसे काट लिया। महेंद्र ने झटका देकर सांप को पैर से अलग किया, फावड़े से मार दिया और फिर मरा हुआ सांप पॉलिथीन में भरकर अस्पताल की ओपीडी में पहुंच गया। इमरजेंसी में पॉलिथीन से सांप निकालते उसने बताया कि सांप ने हमें डसा है, हमें जल्दी बचाओ, हमारा इलाज करो। हालांकि इसे देखकर डॉक्टर साहब और स्वास्थ्यकर्मी घबरा गए। बाद में उन्होंने बताया कि ये मरा हुआ है। तब जाकर सबने उसे बाहर फिकवाया और उसका इलाज शुरू किया। दरअसल वो मरा हुआ सांप इसलिए अस्पताल ले गया क्योंकि डॉक्टर उसकी नस्ल पहचान कर सही तरीके से इलाज करे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बता दें कि 2 महीने पहले भी हरदोई में एक ऐसा मामला आया था जहां पर एक युवक को काले सांप ने काट लिया था और वो डिब्बे में बंद करके हॉस्पिटल पहुंच गया था। दोस्तों, इस अजीबोगरीब मामले को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।